के अंदर हम लोग 9 जन एमएलए इलेक्ट हुए, मुसलमान एमएलए 17 सीट दिए थे, 17 के अंदर 9 जन इलेक्ट हुए, 9 जन इलेक्ट होने के बावजूद के अंदर 5 जन को पावर दिया गया है। जमीर अहमद खान को 3 पोर्टफोलियो देके मिनिस्टर बनाया गया है, रहीम खान को मिनिस्टर दिया गया है, ना सलीम अहमद साहब बैठे थे उनको चीफ विप बनाया गया है, अभी हाल ही के अंदर नसीर अहमद साहब गए उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया है। आज तक कर्नाटका हिस्ट्री के अंदर कोई माइका लाल स्पीकर नहीं बनाया था, आज स्पीकर बनाने वाले कांग्रेस पार्टी यूटी खादर साहब को आज अच्छे अच्छे जो बीजेपी के लीडर है ना आके हमारे यूटी खादर के साहब सर नमस्कार करके खंडा चाहिए, वो बनाने वाली कौन? कांग्रेस। के अंदर हम लोग 9 जन एमएलए इलेक्ट हुए, मुसलमान एमएलए 17 सीट दिए थे, 17 के अंदर 9 जन इलेक्ट हुए, 9 जन इलेक्ट होने के बावजूद के अंदर 5 जन को पावर दिया गया है। जमीर अहमद खान को 3 पोर्टफोलियो देके मिनिस्टर बनाया गया है, रहीम खान को मिनिस्टर दिया गया है, ना सलीम अहमद साहब बैठे थे उनको चीफ विप बनाया गया है, अभी हाल ही के अंदर नसीर अहमद साहब गए उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया है। आज तक कर्नाटका हिस्ट्री के अंदर कोई माइका लाल स्पीकर नहीं बनाया था, आज स्पीकर बनाने वाले कांग्रेस पार्टी यूटी खादर साहब को आज अच्छे अच्छे जो बीजेपी के लीडर है ना आके हमारे यूटी खादर के साहब सर नमस्कार करके खंडा चाहिए, वो बनाने वाली कौन? कांग्रेस। के अंदर हम लोग 9 जन एमएलए इलेक्ट हुए, मुसलमान एमएलए 17 सीट दिए थे, 17 के अंदर 9 जन इलेक्ट हुए, 9 जन इलेक्ट होने के बावजूद के अंदर 5 जन को पावर दिया गया है। जमीर अहमद खान को 3 पोर्टफोलियो देके मिनिस्टर बनाया गया है, रहीम खान को मिनिस्टर दिया गया है, ना सलीम अहमद साहब बैठे थे उनको चीफ विप बनाया गया है, अभी हाल ही के अंदर नसीर अहमद साहब गए उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया है। आज तक कर्नाटका हिस्ट्री के अंदर कोई माइका लाल स्पीकर नहीं बनाया था, आज स्पीकर बनाने वाले कांग्रेस पार्टी यूटी खादर साहब को आज अच्छे अच्छे जो बीजेपी के लीडर है ना आके हमारे यूटी खादर के साहब सर नमस्कार करके खंडा चाहिए, वो बनाने वाली कौन? कांग्रेस।